हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके नेगेटिव कोर बिलीव्स के बारे में। आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी पर्सन के कुछ नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं तो वो उसका पूरा माइंडसेट नेगेटिव कर छोड़ देते हैं। आप पहले भी मेरी कई वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे कोर बिलीव्स हमें कंट्रोल करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और ऐसे 10 नेगेटिव कोर बिलीफ के बारे में बताऊंगी जो आपकी खुशियों और सफलता के रास्ते में बेड़ियों का काम कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी नेगेटिव कोर बिलीफ आपका हो तो आपको तुरंत उसे तोड़ना है और नया पॉजिटिव बिलीफ सेट करना है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन कर। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप जो कि एक मास्टरपीस है, जरूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कोर बिलीफ सेट कैसे होते हैं। वैसे आप मेरी ऑलरेडी कई वीडियोस में इसको देख चुके हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। कोर बिलीफ सेट होते हैं आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। अब किसी पर्सन का कोई एक एक्सपीरियंस खराब हुआ, कई बार एक एक्सपीरियंस को भी लोग पकड़कर बैठ जाते हैं और अपना बिलीफ सेट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को प्यार में धोखा मिला तो बस उसने वहीं पर एक कोर बिलीफ सेट कर लिया कि प्यार में धोखा ही मिलता है, प्यार का मतलब ही धोखा है। तो कई बार तो एक एक्सपीरियंस के बेस पर भी लोग अपना कोर बिलीफ सेट कर लेते हैं और कई बार मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो धीरे धीरे एक इंसान का बिलीफ शेप ले लेता है। लेकिन उसमें उसके खुद के एक्सपीरियंस या फिर रेफरेंस, मतलब उसके साथ ऐसा नहीं हुआ लेकिन उसने अपने आसपास किसी क्लोज वन, मतलब जो रेफरेंस पड़ा सॉलिड है, विश्वास करने लायक है, उससे भी लोग अपना बिलीफ सेट कर लेते हैं और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उसी थॉट प्रोसेस में घूमते रहते हैं। इंसान के पास कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ रेफरेंसेस ऐसे कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो इंटरप्रिटेशन भी निकालने लगते हैं खुद के अपनी। अब ये जो इंटरप्रिटेशन होती है इसमें बहुत सारे फॉल्ट भी होते हैं जिसे आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के नाम से जानते हैं। मैंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पूरी सीरीज बना रखी है, जिसे नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में कई बार माइंड रीडिंग होती है, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है खुद ही एज्यूम कर रहे हैं। उसमें मैग्निफिकेशन होती है, किसी भी बात को राय का पहाड़ बनाकर अनफेयर कंपैरिजन, अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करके, इस तरह के तमाम डिस्टॉर्शन होते हैं। पूरी की पूरी सीरीज आपको मेरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ज़रूर देखेगा। तो अब आपने किसी भी बेस पे, चाहे खुद के एक्सपीरियंस या रेफरेंस या फिर इंटरप्रिटेशन निकाल कर कुछ आपने अपने बिलीफ सेट किए हैं, तो एक्चुअली ये जो कोर बिलीफ होती है इनकी नेचर होती है कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोल करते हैं, जैसा एक इंसान का बिलीफ होता है वैसे ही उसके अंदर के जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स को ना एक्सेप्टेंस होती है, जो भी मैच करते हैं उसके बिलीफ को, और जो भी मैच नहीं करते हैं उनको रिजेक्शन हो जाता है। अब कोई भी इंसान अगर अपने अंदर कई सारे नेगेटिव कोर बिलीफ लेकर बैठा हुआ है तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है। अब ये कोर बिलीफ आपके करियर को लेकर भी हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को लेकर भी हो सकते हैं, सोसाइटी को लेकर भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी एरिया के आपके कुछ कोर बिलीफ हो सकते हैं। अभी मैं आपको 10 सैम्पल कोर बिलीव्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर इनमें से कोई भी है तो ये कोर बिलीफ को आपको जल्दी ख़त्म करना है। एक कोर बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ। ये लोगों का अपने बारे में होता है नॉट गुड इनफ, जब वो खुद के बारे में ही अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं मानते, अपने आप को कम आंकते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर इन्फीरियर फीलिंग्स होती हैं, उनको दूसरे बेटर लगते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद को ही कम आंक रहा है तो डेफिनेटली इन्फीरियर फीलिंग्स की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो होगा। सो ये लोग लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। अब इन्फीरियर फीलिंग्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मान ही नहीं रहे किसी चीज़ के लिए, तो क्या ऐसा इंसान किसी अपॉर्चुनिटी के आने पर इनिशिएटिव लेगा, एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगे कि मेरे से नहीं होगा। मान लीजिए उसके पास कोई जॉब ऑफर भी आया और अगर कोई उसे मोटिवेट भी कर रहा है कि ट्राई करो हो जाएगा तुम्हारा, तो उसके अंदर क्या है, इतना आसान थोड़ी ना है, कहने से क्या होता है, दूसरे के लिए कहना बहुत आसान है, जिसको करना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव कोर बिलीफ सेट हुआ है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो अगर आपका ये बिलीफ है तो इसको तोड़िए। हर कोर बिलीफ को तोड़ने के लिए पहले से समझना पड़ता है। पहले समझिए कि आखिर किस एक्सपीरियंस, किस रेफरेंस के बेसिस पर आपने ये इंटरप्रिटेशन निकाल कर अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि आई एम नॉट गुड इनफ।
जैसे ही आप उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिखेंगे, जैसे ही आप उन रेफरेंसेस को लिखेंगे और आपने किन किन बेसिस पर अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल कर अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है, तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और फिर आप समझ जाएंगे कि मेरे इस थॉट पैटर्न में क्या फॉल्ट है, यानी कि कौन कौन से डिस्टॉर्शन आ गए हैं। डिस्टॉर्शन को रिमूव करते ही, उसे चैलेंज करते ही आपका ये बिलीफ जो है वो हिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो हिलता है तो उसे हिलते हुए को उखाड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब ये कोर बिलीफ बिल्कुल उस विशालकाय वृक्ष की तरह है जो अपनी जड़ें जमा चुका है धरती में। तो क्या एक विशालकाय वृक्ष एक बार से टूटता है? कभी भी नहीं गिरता। वो उस पर बार बार रिपीटेडली जब आप वार करते हैं तो वो हिलना शुरू होता है और फिर जाकर वो टूटता है, गिर पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस नेगेटिव कोर बिलीफ ने आपके अंदर जड़ें जमा ली हैं। हो सकता है कि 4-5 साल की उम्र से आप ये कैरी कर रहे हो सकता है ये आपके टीनेज में डेवलप हुआ हो, या हो सकता है आपके अर्ली अडल्टहुड में कभी भी डेवलप हुआ हो, ये कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन इसको कई साल हो जाते हैं, ये पूरी जड़ें फैला लेता है जब जाके एक इंसान को पता चलता है। तो अगर आपके अंदर ये कितना भी पुराना बिलीफ सेट हुआ हुआ है, आप रिपीटेडली जब इसको चैलेंज करेंगे, इसको डिस्प्यूट करेंगे और इसके कॉन्ट्रेरी एक्शन लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स भी लेंगे, तो ये हिलकर गिर जाएगा एक दिन और आपकी लाइफ इससे फ्री हो जाएगी। अब जो मैं आगे बिलीफ बनाऊंगी उन सबके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो समझते हैं, दूसरा है इट्स इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं होता। जिन लोगों के अंदर ये इंटरनल डायलॉग होता है ना, ये नहीं हो सकता, सबसे पहले उनका रिएक्शन किसी भी काम को बताओ या कुछ है, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सो वहाँ पर वो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर देता है, मतलब आपकी ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर जब भी आप लिखते हैं इट्स जब भी आप अपने अंदर ये बिलीफ होता है इट्स इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी ब्लॉक कर देता है ग्रोथ को। आपको समझना है इम्पॉसिबल में ही अपने आप में ये बोलता है आई एम पॉसिबल। ट्राई तो करके देखो, पॉसिबल है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। हाँ, आपके स्किल्स, आपकी लर्निंग नहीं है तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन सीख कर सब कुछ हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही कुछ अलग ही फील्ड के बारे में एकदम से मास्टरी हासिल करना चाहें। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जिस तरीके से जिस भी एरिया में अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपकी चाहत और सीखने से पॉसिबल है। तो अगर आपके अंदर ये इंटरनल डायलॉग सेट है इट्स इम्पॉसिबल, इसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये ग्रोथ किलर है। आगे है वर्ल्ड इज अनफेयर। भाई दुनिया के बारे में आपने जो है ना, संसार के बारे में पूरा ऐसे बोला जाए अनफेयर है। अब अनफेयर है तो दुनिया अनफेयर है, दुनिया तो लोगों से बनती है ना, तो लोग आपको ऐसे लगेंगे कि चीटर है, अनफेयर है, मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। मतलब इससे क्या होगा, आपका अपनी कमियों अपनी गलतियों पर ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका दोषारोपण दूसरों पर रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे। सो यहाँ पर ये जो ब्लेम गेम होगा, किसको वो करेंगे आप, अदर्स को, मतलब अपनी गलतियों का सारा टोकरा दूसरे के सिर पे रख देना। और हमेशा कुछ भी अगर आपके साथ आपकी लाइफ में आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा तो उसके लिए दूसरों को दोष दे देना, दूसरों को शक की नजरों से देखना, हर पॉलिसी में हर सिस्टम में आपको कमी नजर आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका बड़ा ही नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है इस दुनिया को लेकर, और इसी में तो आप जिएंगे, और जहाँ पर आप जिएंगे जिन लोगों के साथ आपको रहना है उनके लिए इतना नेगेटिव माइंडसेट रख कर क्या आप खुशहाल तरीके से जी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। इसको चैलेंज कीजिए और कभी भी जनरलाइज मत कीजिए किसी चीज़ को। मान लीजिए किसी एक आध इंसान के साथ या किसी एक आध डिपार्टमेंट से आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, तो उसको जनरलाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये बिलीफ भी हमें ख़राब कर रहा है। इसी तरीके से पीपल आर मीन, लोग बड़े मतलबी होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बचपन से भी कंडीशनिंग में इस तरीके से डाल दिया जाता है, अपना अपना सोचो, ये इसको नहीं बताना, वो उसको नहीं बताना, और हमने इस तरीके से सुने सुनाए बिलीफ होते हैं हमारे। इनिशियली हमारे रेफरेंसेस बहुत सारे कलेक्ट होते हैं, अब उन रेफरेंसेस के बेसिस पर हम जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वो बिलीफ हमारा दिमाग कुछ ऐसा कर देता है कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी कुछ ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर जो ये बिलीफ लोगों के अंदर सेट होता है कि लोग बड़े मतलबी हैं, वहाँ पर हर इंसान उस दूसरे पर्सन से जेन्युइनली कनेक्ट नहीं हो पाता, अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाता रिलेशनशिप में। पुअर रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपके अंदर हैप्पीनेस का लेवल भी डाउन रहता है, आपको इनसिक्योरिटीज़ भी डेवलप होने शुरू हो जाती हैं, और आप
जब इतना इनसिक्योर रहेंगे और आपके अंदर हैप्पीनेस का लेवल उतना अच्छा नहीं रहेगा और आप इतने सीक्रेटिव हो जाएंगे, लोगों से बिल्कुल ही अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे कि कहीं लोग कोई फ़ायदा ना उठा लें, मतलब ही होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, इस तरीके की बिलीफ के साथ। और उन ग्रुप सेटिंग में आप जब अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा मेरे एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस सब से भी आपके अंदर इन्फीरियरिटी डेवलप होगी। तो यहाँ पर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी पुअर हो जाती हैं। अब इनके पुअर होते ही आप समझ ही रहे हैं कि आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो इस बिलीफ को भी खत्म करना है। ऐसे ही मनी कैन बाय रेस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों का यह है कि भाई पैसा कमाओ, अंधा पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे वाले की इज्जत होती है। ये गलत है, केवल पैसे वाले की इज्जत नहीं होती, अच्छे इंसान की भी इज्जत होती है। हाँ, ये बड़ा ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा हो जाता है, अभी लोग बोलेंगे अरे मैडम जिसके पास नहीं है उससे पूछो, जिसके पास है उसके लिए कहना बहुत आसान है, ये वास्तविकता है। देखिए पैसा, जिन लोगों को ये है कि भाई पैसा कमाओ किसी भी तरीके से इज्जत आ जाती है, एक्चुअली उनके अंदर बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि ये बिलीफ सेट होने से कि पैसा कमाने से इज्जत आ सकती है, वो इज्जत आप अपने लिए खरीद सकते हैं, बेसिकली वो इज्जत नहीं होती। जो वास्तविकता में इज्जत आपको खुशी देती है, ये सिर्फ पैसे की और आपके किसी रुतबे की एक ऐसी इज्जत होती है जिसके पीछे आपके मुड़ते ही ना लोग आपको गालियाँ निकालते हैं मुँह से। आपको समझना होगा इससे बड़ा डिस्कम्फर्ट इंसान के अंदर रहता है, और इससे क्या होता है आपका माइंड आपको ना किसी भी चीटिंग को करने के लिए भी लगातार पुश करता रहेगा कि करो बस कैसे भी है, दूसरे का नुकसान पहुंचाकर भी आप अपना पैसा कमाओ, तो इससे आपके अंदर आगे चलकर डिस्कम्फर्ट पैदा हो सकता है। तो ये बिलीव जो है आपको क्या है, आपको रॉन्ग एक्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। और आप जानते ही हैं कि गलत काम करेंगे आज नहीं उसके गलत नतीजे आपके सामने कभी ना कभी आएंगे, तो फिर ये गलत बिलीफ आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा देगा। तो इसको तोड़िए, अच्छे काम करने से और जेन्युइन तरीके से पैसा कमाने से इज्जत मिलती है। पैसे कमाने में कोई बुरी बात नहीं है, पैसा जो कमाने वाले जो नामी लोग होते हैं वाकई उनकी इज्जत अच्छी खासी होती है, लेकिन सही रास्ते से। तो ये बिलीफ भी बड़ा खतरनाक बिलीफ है, इसको भी तोड़ना है। आगे समझते हैं, अदर्स आर बेटर देन मी, ये आपके अंदर फिर वही आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है, इंफीरियर फीलिंग्स आपके अंदर डाल देता है, और बेसिकली आपके जो पीयर्स होते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनका ना आपको दुश्मन बना देता है। दूसरे लोग मुझसे बेटर हैं, जब भी एक इंसान के अंदर इस तरीके का वो चलता है तो बेसिकली वो अपने क्लोज सर्कल में, खास तौर से अपने फ्रेंड्स से, अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से कई बार इतना ज़्यादा कंपैरिजन करता रहता है वो इंसान, और अपना एक बिलीफ बना लेता है कि इनके होते हुए मेरा तो कुछ होने वाला है ही नहीं। फिर वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें इनिशिएटिव लेने से डरता है। तो लोगों को जब इस तरीके का बिलीफ सेट हो जाता है तो वो अपने ही क्लोज वंस के साथ कटे कटे से रहते हैं। तो ये जो अदर्स आर बेटर देन मी जो होता है ना, ये बेसिकली क्लोज वंस के साथ ज्यादा होता है, जो आपके अपने होते हैं। इससे आपके फ्रेंड्स से ही आपको जेलसी पैदा होने लग जाती है, आपके जो ऑफिस में जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती है, अंदर अंदर एक डिस्कम्फर्ट, अंदर अंदर ये वाला जो बिलीफ है ये आपके अंदर ना बहुत जेलस की भावना डाल देता है। अगला बिलीफ देखते हैं, नोबडी वैल्यूज मी, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है। अब किसी के अंदर यह है कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है, तो अगर कोई वास्तव में वैल्यू कर भी रहा होगा, कोई आपको इनवाइट कर रहा है किसी फंक्शन के लिए, कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आपके अंदर यह है कि नोबडी वैल्यूज मी। अब इससे आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट प्रोसेस चलते हैं कि ये तो सब दिखावे की दुनिया है, ये देखो यहाँ पर दिखाना जरूरी है तो इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल इस तरीके का नेगेटिव एक्सट्रीम सजेशन दे दिया कि नोबडी वैल्यूज में, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। तो अगर आपसे कहीं पर कोई राय मांगी भी जाएगी तो आपको फॉर्मेलिटी लगेगी, कोई आपको इनवाइट करेगा किसी अपने पार्टी में तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बस ये तो दिखावे के लिए ऐसा करें। आपको समझना होगा कि जब आप ये जो नोबडी वैल्यूज में वाला लगाते हैं तो इसमें आप जो है ना अपने एफर्ट्स के लिए जो भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे होते हैं उसको बेसिकली खुद भी एक्नॉलेज करना बंद कर देंगे, अरे कोई वैल्यू तो करता ही नहीं है, क्या करना है। तो इससे बड़ी ज़्यादा नीरसता आती है, इससे आपके अंदर ना वर्थलेस की फीलिंग डेवलप हो सकती है।
तो इस कोर बिलीफ को भी हमें ब्रेक करना है, समझना है कि हर कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मतलब आप कितना भी अच्छा कर लेंगे लेकिन किसी ना किसी को तो आप नापसंद आ सकते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। दो चार लोगों ने अगर आपको नापसंद ही कर दिया, आपकी वैल्यू नहीं करी, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता। जो वैल्यू करते हैं उन पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इंसानी जो फितरत होती है वो कैसे होती है कि भाई जो चीज़ ख़राब है, जो चीज़ नेगेटिव है, उधर दिमाग ज़्यादा जाएगा। आपके अंदर मान लीजिए 32 दांत हैं, अब 32 दांत में से किसी एक दांत में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई दर्द हो रहा है, कुछ अटक गया है, तो बस बार बार आपकी जीव वहीं पर जाएगी, बाकी 31 के तरफ कभी नहीं जाएगी। सो वहाँ पर जब भी कुछ नेगेटिव होता है आपके, सपोज़ कीजिए सोशल मीडिया पर कहीं पर किसी ने कोई एक दो नेगेटिव कमेंट कर दिया, वहीं पर दिमाग जाएगा, ये नहीं कि इतने सारे और पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव पर जाता है। सो आपको ये समझना है कि एक दो लोगों ने, अगर दो चार पांच लोगों ने भी ऐसा कर दिया तो वो उनका जस्ट ओपिनियन था, उसकी वजह से ये बिलीफ सेट कर लेना कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, अपने आप को वर्थलेस हर समय फील कराना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसी तरह से विदाउट लक नथिंग हैपन्स, लक के बिना कुछ नहीं होता, यानी कि एफर्ट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सब लक की वैल्यू है। तो बस लक के, अगर ऐसा ही लक का होता तो फिर ये जो लोग मेहनत कर कर बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने हैं ये तो कभी बन ही नहीं पाते। लेकिन दूसरों की मेहनत से आगे बढ़ने के बाद ये कह देना कि लक इनका अच्छा था, ये बड़ा आसान होता है। और क्योंकि उससे आपके जो ऐसा कहता है ना कि इसका लक बहुत अच्छा था इसलिए ये इतना आगे चला गया, तो एक्चुअली क्या है ना, वो अपने जो एफर्ट्स डालकर आगे तरक्की कर सकता था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। दूसरा उसने ब्लॉकेज क्या करी कि अपनी जो गलतियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसने गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ली, उसने सारा दोष ना लक पर डाल दिया। आपको समझना है कि लक भी उसी इंसान का चलता है जिस जो मेहनत करता है, क्योंकि ईश्वर ने सब के लिए अच्छा लक ही लिखा है, बस नीचे कौन किस रेशो में मेहनत करता है उसी रेशो में उसका लक भी चल जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम ये अपना बिलीव कर लेंगे ना कि बिना लक के कुछ नहीं होता, ये बिलीव बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ पर आपके एफर्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं। आपको इस बिलीव को तोड़ना है, आपको एफर्ट्स पर ज़्यादा यकीन करना है। आप देखिए, अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा लेकिन आपके एफर्ट्स से वो जो बंद लक है ना आपका, वो भी खुल जाएगा और आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे अपने जीवन में। तो इस बिलीव को भी बहुत जल्दी तोड़ दीजिए। है आई कांट चेंज, मैं नहीं बदल सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो लोग ये बिलीव बना लेते हैं बस वो वहीं पर एक स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब अगर उनकी लाइफ में कुछ एक बार हो गया तो उनका एक बिलीफ हो जाता है अभी ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो उनकी कोई बीमारी हो, चाहे उनका कोई फेलियर आया हो, कुछ भी उनको इशू लाइफ में हो, कोई रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मैं नहीं बदल सकता। अब वही मैं नहीं बदल सकता, आप जब बार बार अपने आप के अंदर ये बिलीफ को रिन्यू करते जाएंगे तो इसी से रिलेटेड थॉट सारे एफर्ट्स बेकार हैं। क्या होता है, इसको करने से कुछ भी नहीं होता। जैसे कई बार मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो इनिशियली उनका बिलीव होता है कि नहीं, कुछ चेंज नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले तो उनका ये बिलीफ ही चैलेंज करना होता है, डिस्प्यूट कराकर तोड़ना होता है और उनको उनका जोन शिफ्ट करना होता है, तब जाकर उनको बाकी एफर्ट्स कराए जाते हैं और जो करंट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब भी आपने ये बिलीफ सेट कर लिया तो वहाँ पर आपने अपनी फ्लैक्सिबिलिटी ख़त्म कर दी। तो ये क्या है, आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी को ज़ीरो कर देता है। खतरनाक बिलीफ है, इसको तोड़ दीजिए। ऐसे ही डिजीज़ कैन नॉट बी क्योर, कोई बीमारी आ गई है चाहे वो शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है, वो ठीक नहीं हो सकती है। लोगों की इतनी पुअर बिलीफ है, किसी को डायबिटीज़ हो गया है, किसी को कोई भी बीमारी, मान लीजिए डिप्रेशन में चला गया है, किसी और भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, तो उनको ये लगता है कि अब ठीक नहीं हो सकता। एक बार हो जाता है तो ठीक नहीं होता, बस ठीक है ऐसे गाड़ी चलानी पड़ेगी ज़िंदगी की, कोई चीज़ है तो वो ठीक कैसे होगी आप बताइए। अरे पहले तो ठीक थी ना, अभी कुछ आपके अंदर डिसऑर्डर आ गया है, कोई डिसईज आ गई है, अब वो रिवर्स भी तो की जा सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, प्लेसिबो वाली वीडियो में, कि आपका माइंड जिस चीज़ पर यकीन कर लेगा वो चीज़ आपके लिए सच बना देगा। और इस पे मैं और भी सीरीज़ अब बनाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर अपनी किसी भी फिज़िकल, किसी भी मेंटल इशू को आसानी से बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, सिर्फ अपने बिलीफ को पॉजिटिव सेट कर किस तरह से आप अपने जीन्स की जो मेमोरी होती है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग चेंज कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है।
ये 100% पॉसिबल है। तो अगर आप किसी भी फिजिकल और मेंटल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं तो इस बिलीफ को तुरंत तोड़ दीजिए कि कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो रिवर्स हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से अपनी फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ को रिवर्स किया जाए, वापस से बैक टू नॉर्मल हेल्दी हुआ जाए, और आप चाहते हैं कि इस पर मैं माइंड की प्रोग्रामिंग की वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट करिए। अगर इस पर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो मैं बहुत ही जल्दी ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अगर इनमें से कोई भी आपका बिलीफ होगा तो आप उसे तोड़ देंगे। इसके अलावा और भी कोई बिलीफ है तो अपने नेगेटिव कोर बिलीफ की लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाकर उनको चैलेंज कीजिए और चैलेंज कर उन्हें तोड़ दीजिए, नए बिलीफ सेट कीजिए। तो इस यूज़फुल वीडियो को आपको दूसरों के साथ भी शेयर कर मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में मेरा साथ देना है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही एकदम मेंटली फिट रहें। अपना खास ख्याल रखिएगा और ये वीडियो हर ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।